खरगोन कृषि उपज मंडी में कपास की आवक का सिलसिला जारी है। किसान प्रतिदिन 300 से 3500 वाहन कपास मंडी में नीलामी के लिए लेकर आ रहे हैं। शुक्रवार को भी 400 बैलगाड़ी और वाहन पहुंचे। कपास के भाव उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि उपज मंडी में सुबह 11 बजे शुरू हुई नीलामी शाम करीब 5:30 बजे तक चलती रही। कपास लेकर आए किसानों ने इस बात को लेकर भी खुशी जाहिर की कि उनका कपास 9,500 रुपये क्विंटल से भी ऊपर बिका है। कपास लेकर आए किसानों ने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि कपास के भाव इतने अधिक मिलेंगे, अच्छे भाव मिलने से चेहरे खिल गए हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कपास की क्वालिटी अच्छी है इसलिए अच्छा भाव दे रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मंडी में कपास का भाव अच्छा मिल रहा है, किसान खुश हो रहे हैं, क्या कारण क्या है? सर, कारण ये है कि डिमांड रुई में अच्छी है, काकड़े में भी अच्छी डिमांड है, दोनों पक्के मालों में अच्छे भाव होने के कारण रॉ मटेरियल में भी भाव बढ़े हैं। पिछले महीने देखा गया है अच्छे से अच्छा कपास 5,000-4,000 में बिका है जी, क्या कारण? नहीं तो भाव में पक्के मालों में भाव में बढ़ोतरी के कारण ही यहाँ बढ़ोतरी हुई है, व्यापारी हमेशा कॉम्पिटिशन में रहता है। कम से कम भाव कितना था और अधिक से अधिक कितना था? तो काकड़े में भाव डबल हो गए गए साल से, और रुई में भी भाव 25-30% बढ़े हुए, वो सब इफेक्ट कपास में आए। अभी क्या भाव चल रहा है? और अच्छे भाव है दोनों को पक्के मालों में। क्या नाम है आपका? आज 3500 रुपये। क्या नाम लिखा? मुकेश महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।